Hey guys, welcome back again to a new video. यहाँ पे जो भी Apple users हैं, जो भी Apple के application purchase करते हैं, उनके पास एक बहुत बड़ा challenge होगा काफी time से कि वो यहाँ पे कोई भी चीज अगर purchase कर ले तो उसके लिए उनको credit या debit card की जरूरत पड़ती थी. Because आज से पहले यहाँ पे Apple store पे या App store पे कुछ भी purchase करने के लिए सिर्फ ये दो option थे. और वो भी इसके अंदर ये condition थे India में कि यहाँ पे आपके credit या debit card के अंदर international transaction का enable होना काफी जरूरी था. यहाँ पे काफी लोगों को challenge आता था पहले कि जो भी Apple से कुछ परचेज करना चाहते थे उनके पास कार्ड होते हुए भी वो नहीं कर पाते थे बिकॉज यहाँ पे कार्ड की भी लिमिटेशन थी. फॉर एग्जाम्पल आपके जो रुपए कार्ड थे जो इंडिया में चलते हैं जिसको गवर्नमेंट काफी ज्यादा प्रमोट करती है ये भी वहाँ पे वैलिड नहीं थे और एप्पल यहाँ से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होने देता था. इस केस में काफी लोग एप्पल को पसंद नहीं करते थे लेकिन फाइनली ये वे यहाँ पे खत्म हो गया है और अब लगता है एप्पल इंडियन मार्केट में थोड़ा मतलब खुश जैसा लग रहा है. तो एप्पल यहाँ पे लेके आया नई स्कीम यहाँ पे कि आप अदर पेमेंट मेथड से भी यहाँ पे एप्पल के अंदर ट्रांजेक्शन कर सकते हो. क्या है वो कैसे करना है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा मेरे मोबाइल पे. लेकिन अच्छी बात ये है कि अब सिर्फ क्रेडिट या डेबिट कार्ड नहीं अब आपका नेट बैंकिंग हो गया अब आपके रुपए कार्ड हो गए या फिर आपके यूपीआई का जो मेथड है जो इंडिया में काफी ज्यादा सक्सेस है इन तीनों तरीके से भी आप एप्पल को पैसा दे सकते हो. वैसे इतनी अच्छी बात नहीं है बिकॉज इवेंचुअली आपका पैसा जा रहा है बट जो लोग पहले एप्पल सर्विसेज का फायदा नहीं उठा पा रहे थे बिकॉज ऑफ दीज मनी रीजन कि उनको भाई क्रेडिट कार्ड मांगना पड़ता था किसी से एप्पल के फोन होते हुए भी तो ये सारी दिक्कतें यहाँ पे खत्म हो गई. तो देखते हैं मेरे फोन पे कैसे करना है इनेबल. वेल तो चालू करने के लिए मेरे फोन पे आते हैं. सबसे पहले आपको जाना होगा सेटिंग्स में जाने के बाद ऊपर आप देखोगे आपकी आईडी पे क्लिक करोगे आप यहाँ पे तो फर्दर ऑप्शन खुलते हैं. यहाँ पे सिंपली आपको जाना है पेमेंट एंड शिपिंग में. ठीक है ये ऑप्शन आपको चाहे आपका आईपैड है चाहे आपका आईफोन है सारी जगह सेम ऑप्शन ही देखने को मिलेंगे. यहाँ पे ओपन करते हो तो आपने जो भी पेमेंट मेथड लगाए हैं पहले से वो सारे दिख जाएंगे. फिलहाल यहाँ पे मैंने एप्पल आईडी के अंदर बैलेंस लोड करके रखा था बिकॉज पहले मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी. यहाँ पे आप देख सकते हो 300 रुपए लोडेड है तो फाइनली यहाँ पे अब आपको एड करना है. तो आपको जाना है एड पेमेंट मेथड में. पहले जो ऑप्शन दिख रहा है आपको क्रेडिट और डेबिट कार्ड ये यहाँ पे पहले से हुआ करता था बट फाइनली अब यहाँ पे एप्पल तीन ऑप्शन और लेके आया है नीचे जो आप देख पा रहे हो. फर्स्ट वन इज रुपे कार्ड सेकंड इज यूपीआई थर्ड वन इज नेट बैंकिंग. तो तीनों ऑप्शन है. रुपे फिलहाल अपने पास नहीं है तो हम यूपीआई टेस्ट कर लेते हैं. यूपीआई पे क्लिक करते हैं. यहाँ पे आपको पूछता है आपका यूपीआई आईडी क्या है तो यहाँ पे लेट्स से मैं कुछ भी डेमो डाल देता हूँ. सो ये हमने यहाँ पे यूपीआई नंबर को डाल दिया है यूपीआई आईडी बेसिकली डाल दिया. तो यहाँ पे चाहे आपका गूगल पे है फोन पे है पेटीएम है कहीं का भी या किसी बैंक का यूपीआई आईडी है वो आप यहाँ पे डाल के सीधे यहाँ पे जाके डन करोगे तो नाउ ये उसको चेक करेगा कि वो वैलिड है या नहीं और यहाँ पे आ जाएगा सीधे मतलब अगर ये स्क्रीन आती है दैट मींस कि आपको जो पेमेंट मेथड है वो एक्सेप्ट हो गया है एंड यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया यूपीआई इज नाउ लिंक्ड विद योर एप्पल आईडी. तो ये यूपीआई आईडी लिंक हो गई है एंड नाउ व्हाट यू कैन डू इज लाइक यू कैन गेट एप्स गेम्स म्यूजिक और मोर मतलब मूवीज वगैरह या कोई भी सर्विस वो सारी चीजें आप यहाँ पे ले सकते हो. इसके अलावा एप्पल के अंदर कोई बैलेंस एड करना है फॉर एग्जाम्पल नीचे आपको 300 रुपए दिख रहे हैं यहाँ पे कुछ बैलेंस एड करना है तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ. एंड यहाँ पे एक लिमिटेशन है कि 100 रुपए के नीचे कोई अमाउंट को ऐड नहीं कर सकते. तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर लेट्स से 99 भी डालता हूँ और उसको मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ पे इनवैलिड अमाउंट आता है दैट मींस यू हैव टू मेक इट 100. तो 100 रुपए डाल लेते हैं फिर डाल दिया हमने 100 रुपए नेक्स्ट करता हूँ मैं और ये यहाँ पे यूपीआई के अंदर पेमेंट रिक्वेस्ट भेजता है आपकी पेमेंट रिक्वेस्ट मेरे फोन पे एप्लीकेशन के अंदर आ चुकी है. बिल्कुल सिंपल यहाँ से मैं इस पेमेंट को अप्रूव करूंगा. ये हो गई पेमेंट डन और अब हम अपने ऐप स्टोर के अंदर जाके इसको चेक करेंगे. यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बैलेंस है वो ऐड हो चुका है और यहाँ पे अब 400 रुपए हो चुके हैं सॉरी 460 रुपीज हो चुके हैं. तो जो 100 रुपए ऐड किए थे वो यहाँ पे आ गए एंड दिस वे आप कोई भी पेमेंट वगैरह यहाँ पे ऐड कर सकते हो. तो काफी सिंपल है ये. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और इस तरीके से आप कोई भी एप्पल डिवाइस को यूज कर रहे हो कोई भी ट्रांजेक्शन करना है एप्पल स्टोर से या एप्पल की सर्विस के लिए तो ये बहुत अच्छा तरीका बहुत अच्छा मतलब सिस्टम इंट्रोड्यूस किया एप्पल ने. काफी पहले आ जाना चाहिए था लेकिन कुछ भी ड्यू टू डिजिटल इंडिया अब ये चीजें यहाँ पे काम में आ रही है और अब शायद बाकी कंपनीज जो पहले इंडिया को मतलब इंडिया के जो पेमेंट सिस्टम है उसको इतना भाव नहीं देती थी अब वो इन चीजों पे फोकस होकर इंडिया में ये चीजें लेके आ रही है. तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी आपके काम की है. चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका प्यार ऐसे बना रहे. आगे मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय.